स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन लेयर। ये सबसे मोस्ट टॉप लेयर है हमारी। चलिए देखते हैं लेक्चर 17 में हमारे पास आज क्या है। सो व्हाट इज एप्लीकेशन लेयर? आपने स्टार्ट में भी कंप्यूटर नेटवर्क्स में ये चीज़ें पढ़ी होंगी, तो उसी को हम रिवाइज कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग को ईजीली समझ आ जाएगी इस चीज़ की। एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर इन OSI एंड TCP/IP लेयर मॉडल। हमारे पास दो किस्म के लेयर मॉडल हैं, एक है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI और दूसरा है हमारे पास TCP/IP लेयर मॉडल, और ये उसकी टॉप मोस्ट लेयर है। ठीक है जी, हमारे पास सेवन लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, सॉरी फर्स्ट लेयर है। इट प्रोवाइड्स द इंटरफेसेस एंड प्रोटोकॉल्स needed by the user to get access to the network। ठीक है कि हमें क्या प्रोवाइड करती है? इंटरफेस प्रोवाइड करती है, एक एक जैसे हम कहते हैं ना कि पुल है दरमियान में, इंटरफेस प्रोवाइड करती है और साथ साथ प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करती है जो कि हमें जरूरत होती है यूजर को जब वो इंटरनेट को या नेटवर्क को एक्सेस करें। नेटवर्क को जब वो एक्सेस करता है उसके दौरान उसको जो इंटरफेस और प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है वो हमें एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती है। इट कंबाइंस द फंक्शनैलिटीज ऑफ द सेशन लेयर, द प्रेजेंटेशन लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपकी ये जो तीन लेयर हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये आपकी एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन लेयर पे चल रही होती है। ठीक है, ये तीनों मिलके आपकी किसी भी एप्लीकेशन जो आपने ओपन की है नेटवर्क की कम्युनिकेटिंग के लिए, नेटवर्क पे कम्युनिकेशन के लिए जो भी एप्लीकेशन ओपन की है उसमें ये तीनों लेयर इकट्ठी काम कर रही होती है। ठीक है, ये आपकी कंप्यूटर में नहीं होती, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपकी जो आपने एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसी में इसकी बिल्ट इन फीचर्स यूज किए जाते हैं। दिस लेयर इज फॉर एप्लीकेशन विच आर इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन सिस्टम। ये लेयर उन एप्लीकेशंस के लिए है जो आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जब आप दो जगहों, दो या दो से ज़्यादा सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, तो उसमें आपको एप्लीकेशन लेयर की ज़रूरत पड़ती है। इट फैसिलिटेट द यूजर टू यूज़ द सर्विसेज ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, इसके ज़रिए आप सर्विसेज जो भी आपको नेटवर्क प्रोवाइड करता है उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप, या किसी और सिस्टम से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वो एप्लीकेशन क्या होगी? वो या फायरफॉक्स होगी या क्रोम होगी या इंटरनेट एक्सप्लोरर होगी। और वो क्या करेगी? वो एप्लीकेशन लेयर की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो यूज़ करके आपको कनेक्टिविटी दिलवाएगी, आपके लिए कनेक्टिविटी बिल्ड करेगी। इट इज़ यूज्ड टू डेवलप नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, आप नेटवर्क के लिए जो भी एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन लेयर का। इट प्रोवाइड यूजर सर्विसेज लाइक यूज़र लॉगिन, नेमिंग नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है, फॉर्मेटिंग मैसेजेस एंड ईमेल्स या ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स, इन सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि आप एप्लीकेशन जो आपने ओपन की है कनेक्टिविटी के लिए नेटवर्क पे, उसमें जब आप लॉगिन भी करते हैं तो उसमें भी इसका काम है। वहाँ पे डोमेन नेम सिस्टम जो है या नेमिंग नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं उनमें भी इसका काम है। मैसेज की फॉर्मेटिंग को भी चेक किया जाता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर जिसे हमने पढ़ी थी कि उसकी फंक्शनलिटी भी इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली मैसेज को कैसे फॉर्मेट रखना है उसका, एंड ई मेल्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल्स ने कैसे जाना है, ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स TCP या FTP जो हम कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसने कैसे काम करना है, तो ये सारे इसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, ईमेल के लिए SMTP यूज़ किया जाता है, फाइल ट्रांसफर के लिए FTP यूज़ किया जाता है, HTTP आपकी जो सिंपल कनेक्टिविटी है किसी भी पेज तक वो, और उसके से आनवर्ड रिस्पॉन्स जब आता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन लेयर के सारे प्रोटोकॉल्स हैं और इसकी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। इट इज़ आल्सो कंसर्न्ड विद एरर हैंडलिंग एंड रिकवरी ऑफ द मैसेजेस एज ए होल। ठीक है, ये हमें दो, ये नई चीज़ें जो एरर हैंडलिंग है और रिकवरी ऑफ मैसेजेस है, क्योंकि आपके सामने जब भी कोई पेज ओपन होता है तो वो बिल्कुल
या तो ठीक फॉर्म में ओपन होगा या फिर नेट की वजह से नहीं ओपन होगा। तो वो सारे एरर्स को चेक कर रहा होता है, आपको इतला दे रहा होता है कि अभी एरर हैंडलिंग है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, रिकवरी भी वो आपके लिए कर रहा होता है, मैसेज को दोबारा रिन्यू भी कर लेते हैं, रिस्टार्ट भी हो रहा होता है या रिलोड भी हो रहा होता है आपका पेज। तो ये सारा कुछ एप्लीकेशन लेयर खुद ही एज ए होल कर रहा होता है। तो एप्लीकेशन लेयर किसी भी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन जो अगले सिस्टम में है उस तक रसाई है, किसी भी एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन तक, बिल्कुल आपके जो एंड पॉइंट होता है, एंड यूजर होता है, वहां तक की रसाई है। फंक्शंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज हैंडलिंग या मेल सर्विसेज भी इसे कहा जाता है। मैसेज हैंडलिंग इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क दैट इंटीग्रेट्स द फॉलोइंग इंट्रिंसिकली रिलेटेड सब टास्क। ठीक है, मैसेज हैंडलिंग इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। ठीक है जी, मैसेज हैंडलिंग मेल सर्विसेज, मैसेज हैंडलिंग इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क दैट इंटीग्रेट द फॉलोइंग इंट्रिंसिकली रिलेटेड सब टास्क। ये मैसेज हैंडलिंग जो होती है डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क है, यानी मुख्तलिफ सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। डिफरेंट जगहों पर आपने फॉर एग्जाम्पल मेल भेजनी है या मैसेज भेजना है तो किस फॉर्मेट में जाएगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क को आपकी मैसेज हैंडलिंग आ जाता है, जो एप्लीकेशन लेयर की फंक्शन है। इसमें दो सब टास्क आ जाती हैं, जिसमें सब नंबर एक है मैसेज ट्रांसफर, दूसरा है मैसेज स्टोरेज, यानी आपका मैसेज ट्रांसफर कैसे हो रहा है और स्टोरेज भी हो रही होती है। द नॉन रियल टाइम कैरेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट्स बिटवीन पार्टीज यूजिंग कंप्यूटर एज इंटरमीडिएटरी। ठीक है, इंटरमीडियरी रीज हम इसको यूज करते हैं कंप्यूटर को, आपका मैसेज ट्रांसफर हो रहा होता है, ये आपके सिस्टम लगा होता है MTS मैसेज ट्रांसफर सिस्टम। ठीक है, तो नॉन रियल टाइम कैरेज है इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट बिटवीन पार्टीज। ठीक है, रियल टाइम में अगर नहीं भी हो रहा, रियल टाइम मतलब कि अभी आपने सेंड किया और फौरन मिल गया, तो वो ये नॉन रियल टाइम है, यानी एनी टाइम आपका मैसेज वहां तक पहुंचेगा। ठीक है, एनी टाइम आपका मैसेज वो लेके जाएगा, एप्लीकेशन लेयर आपका मैसेज पहुंचा के रहेगा। कैरेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट बिटवीन पार्टीज यूजिंग कंप्यूटर एज इंटरमीडियरीज। आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आप इधर बैठे हुए हैं, दूसरा उधर बैठा हुआ है, तो आपके और तीसरा यहाँ बैठा हुआ है यूजर, तो उनके साथ दरमियान में मैसेज ट्रांसफर होगा। ठीक है, इंटरमीडियरी इसके कंप्यूटर यूज किए जा रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद है मैसेज स्टोरेज, द ऑटोमेटिक स्टोरेज फॉर लेटर रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट कन्वेड बाय मीन्स ऑफ मैसेज ट्रांसफर। ठीक है, वही बात कि नॉन रियल टाइम में है, तो वो मतलब नॉन रियल टाइम का मतलब है कि रियल टाइम में नहीं है, थोड़ा लेट भी जा सकता है, तो उसकी स्टोरेज कहाँ पे होगी, तो ऑटोमेटिक स्टोरेज भी दी गई है, एप्लीकेशन लेयर ऑटोमेटिक स्टोरेज भी देता है, जिसको कहते हैं मैसेज स्टोरेज MS। ठीक है, मेल बॉक्स जिसे हम कहा जाता है, मेल बॉक्स में आपकी मैसेज जा रहे होते हैं, उसमें स्टोर भी हो रहे होते हैं आपके लिए, यानी आपके ब्राउजर ही सारा कुछ आपके लिए कर रहा है, आपके मेल बॉक्स में इसको स्टोर रख रहा है। तो यूजर है, यूजर एजेंट है ये, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और वो मैसेज स्टोरेज एक बफर है उसमें जाता है, फिर मैसेज ट्रांसफर सिस्टम है उसमें ये स्टोर हो रहे होते हैं, प्रोसेस हो रहे होते हैं आपकी इंफॉर्मेशन, उसके बाद दोबारा मैसेज स्टोरेज में जाता है और ऑनवर्ड उसके जो जिस डेस्टिनेशन है उस पर मैसेज पहुंच जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, मैसेज हैंडलिंग स्ट्रक्चर है, सिस्टम का स्ट्रक्चर है। दिस लेयर प्रोवाइड द बेसिस फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज, और ये लेयर जो है आपको ईमेल जो आपकी फॉरवर्ड हो रही है और स्टोरेज होती है उसकी जो बेस है वो ये प्रोवाइड करता है कि आपका ईमेल कैसे ट्रांसफर होगा, कहाँ वो स्टोर होगा, कैसे वो जाएगा, कैसे पहुंचेगा, वो ये बताती है। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू वांट टू सेंड एन ईमेल, योर कंप्यूटर शुड पास 3 steps टू क्रिएट एंड सेंड द कंटेंट। ओपन एन एप्लीकेशन टू राइट ईमेल, फॉर एग्जांपल आउटलुक आपके पास एक एप्लीकेशन है वो ओपन होगी। क्रिएट एन इंटरफेस टू सेंड डेटा इन द नेटवर्क, और नेटवर्क के अंदर कैसे डेटा जाएगा उसके लिए इंटरफेस क्रिएट करेगा एप्लीकेशन लेयर। यूज ईमेल प्रोटोकॉल टू सेंड एन ईमेल, उसके बाद SMTP को ये यूज करेगा मेल को ट्रांसफर करने के लिए। तो ये फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन जो है एप्लीकेशन लेयर का मैसेज हैंडलिंग का और या मेल सर्विसेज का। सेकंड हमारे पास आ जाता है इसके बाद फाइल ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड मैनेजमेंट FTAM इसको कहा जाता है कि फाइल ट्रांसफर एक्सेस उसको फिर उसकी मैनेजमेंट क्या है। इट इज अ स्टैंडर्ड मैकेनिज्म टू एक्सेस फाइल्स एंड मैनेज इट। ठीक है, स्टैंडर्ड मैकेनिज्म आपको एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करता है जिसके जरिए वो क्या करता है, फाइल्स को एक्सेस करता है
फाइल को ट्रांसफर करता है, मैनेज करता है। यूजर कैन एक्सेस फाइल इन ए रिमोट कंप्यूटर एंड मैनेज इट। ठीक है, आप जो रिमोट कंप्यूटर है, रिमोट कंप्यूटर का क्या मतलब है, आपसे दूर। ठीक है, रिमोट आपसे जितना दूर होगा, रिमोट एरिया पे होगा, कहीं पे दूर आपसे, आपके डिस्टिनेशन से दूर कोई फाइल आप किसी और कंप्यूटर में पड़ी है। जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक कहीं के सर्वर फॉरन में है और फॉरन से आपके लिए डेटा आ रहा होता है, एक रिमोट एरिया है, दूर है आपसे। या इस्लामाबाद की कोई वेबसाइट आप सर्च करें, वहाँ से कोई फाइल डाउनलोड करें, या यूट्यूब से कोई फाइल डाउनलोड करें और देन उसकी मैनेजमेंट सारा कुछ इसमें हो रहा होता है। दे कैन ऑल्सो रिट्रीव फाइल्स फ्राम अ रिमोट कंप्यूटर, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं, उठा भी सकते हैं, और फाइल्स को एक्सेस करना, रिट्रीव करना एक ही बात है। फाइल सर्विस इंक्लूड शेयरिंग एंड ट्रांसफरिंग फाइल ओवर द नेटवर्क। ठीक है, इनमें दो बातें आ जाती हैं, फाइल शेयरिंग आ जाती है, फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड मैनेजमेंट में। नंबर वन, वन ऑफ द रीजन विच गिव बर्थ टू नेटवर्किंग वाज फाइल शेयरिंग। ठीक है, नेटवर्क का मतलब ये था कि एक से ज्यादा कंप्यूटर जब आपस में कोई चीज शेयर करें तो इसको क्या कहते हैं, फाइल शेयरिंग कहा जाता है। ये नेटवर्किंग भी है हमारे पास, तो कहते हैं कि नेटवर्किंग को जन्म देने वाली जो चीज़ थी वो थी फाइल शेयरिंग। जब एक से दूसरी जगह डेटा जा रहा होता है तो नेटवर्किंग ही हो रही होती है। फाइल शेयरिंग एनेबल इट्स यूज़र टू शेयर देयर डेटा विद अदर यूज़र। ठीक है, और यही फाइल शेयरिंग आपको एनेबल करती है कि एक जगह से एक यूज़र दूसरी जगह डेटा को मूव कर सकता है। यूज़र कैन अपलोड द फाइल टू अ स्पेसिफिक सर्वर विच इज़ एक्सेसिबल बाई ऑल इंटेंडेड यूज़र। जैसे यूट्यूब पर लोग अपनी फाइल अपलोड कर देते हैं और पूरी दुनिया वहाँ से वो डाउनलोड करते हैं और देख रहे होते हैं, तो फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। फाइल ट्रांसफर, दिस इज एन एक्टिविटी टू कॉपी और मूव फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर और टू मल्टीपल कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ अंडरलाइंग नेटवर्क। ठीक है, आप एक जगह से फाइल, यानी आप किसी को मेल भेजते हैं तो सीसी करते हैं, कॉपी टू, यानी बहुत सारे लोगों को भी सेंड कर सकते हैं, एक जगह से फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं और सिंगल को भी मूव कर सकते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन भी होता है कि जैसे आपके पास ये गूगल क्लासरूम है, क्लासरूम में हम फाइल अपलोड कर देते हैं और उसमें वो कॉपी हो करके या मूव करके आपके सारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली आप जैसे लॉगिन होते आ जाती है, तो आप उसे व्यू कर सकते हैं। तो शेयरिंग भी है, ट्रांसफर भी है, आपको मूव भी करवा सकते हैं। इस तरह आप ड्रॉपबॉक्स की कॉन्सेप्ट को ले लें, गूगल ड्राइव को ले लें, कि उसको शेयर जैसे करते हैं आप अपने फोल्डर को, तो उस फोल्डर में जितना डेटा होगा वो बाकी उसे भी शेयर हो जाएगा। तो ट्रांसफर भी हो रहा है, आप उसमें कुछ चीज़ ट्रांसफर भी कर रहे हैं तो वो भी उन तक पहुँच रहा है। तो ये एक दूसरी इसकी एप्लीकेशन लेयर की फंक्शनैलिटी है कि फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड मैनेजमेंट एफिशिएंटली किया जाता है इसमें। थर्ड वन इज नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, इट अलाउज अ यूजर टू लॉग ऑन टू रिमोट होस्ट। ठीक है, रिमोट होस्ट का मतलब है कि आप फेसबुक पे जब लॉग इन होते हैं तो वो आप अपने कंप्यूटर में नहीं हो रहे, वो किसी और के सिस्टम, किसी और के सर्वर में, वहाँ पे वेब सर्वर इंस्टॉल्ड है और उसमें वेब फेसबुक का पेज वहाँ पे इंस्टॉल्ड है और उसको आप यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं उसकी उसके सिस्टम में। तो आप लॉग इन कहाँ ले रहे हैं, फेसबुक में। अब फेसबुक में वहाँ पे वर्चुअल टर्मिनल आपके लिए नेटवर्क पे क्रिएट हो जाता है, यानी दो सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं आपका भी और वहाँ पे फेसबुक सर्वर भी आपसे कनेक्टेड है, लेकिन आपके जो कनेक्टेड लाइन है उसमें कोई और दाखिल नहीं हो सकता, तो इसको वर्चुअल टर्मिनल कहते हैं। वर्चुअल टर्मिनल, एक टर्मिनल होता है, एक लाइन होता है, एक पाइपलाइन होता है जिसमें आप ही का डेटा सिर्फ मूव करेगा एट सेम टाइम। ऐसा नहीं होता कि आप भी लॉग इन हैं और आपके उससे कोई मेंबर, कोई और लॉग इन हो गया आपके अकाउंट से, तो दो एट द सेम टाइम लॉग इन नहीं हो सकते, तीन एट द सेम टाइम लॉग इन नहीं हो सकते। इस तरह हर बंदे के लिए एक वर्चुअल टर्मिनल नेट पे क्रिएट करना, ये एप्लीकेशन लेयर का काम है। एप्लीकेशन लेयर किसी और को आपके उसमें मुदाखल करने नहीं देगा, वो आप अपने लाइन में लगे होंगे, दूसरा अपने लाइन में होगा, तीसरा अपने लाइन में होगा, उनके लिए एक वर्चुअल टर्मिनल क्रिएट कर दिए जाते हैं जिसमें वो अपने डेटे को मूव करते हैं और उसको यूज करते हैं। तो लॉग इन आप रिमोट होस्ट पे ले लेते हैं। द एप्लीकेशन क्रिएट सॉफ्टवेयर इमुलेशन ऑफ अ टर्मिनल एट द रिमोट होस्ट। आपको ऐसा लग रहा होता है जैसे वो सिर्फ मेरा ही सिस्टम है, मैं ही सिर्फ फेसबुक को देख रहा हूँ इस वक्त, लेकिन ऐसा नहीं होता। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग फेसबुक देख रहे हैं, लेकिन हर एक के लिए एक वर्चुअल टर्मिनल क्रिएट है, उसको वही नजर आ रहा होता है जो आगे वाले दिखा रहा होता है कि आप अकाउंट कोई और नहीं देख रहा, आप अपने अकाउंट में लगे हुए हैं एज ए होल। यूजर कंप्यूटर टॉक्स टू द सॉफ्टवेयर टर्मिनल विच इन टर्न टॉक्स टू द होस्ट एंड वाइस वर्सा। ये दोनों सर्वर जो सॉफ्टवेयर हैं एक दूसरे से, टर्मिनल जो हैं कंप्यूटर एक दूसरे बात कर रहे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो आप जो हैं यहाँ से ही एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी और के कंप्यूटर में। ठीक है, तो वो भी उसका रिप्लाई उसी तरह दे रहा है जैसे आप उसको कुछ कहते हैं। आप फेसबुक में कोई चीज़ डालना चाहते हैं तो फेसबुक में आप अपने कंप्यूटर से उसके सर्वर में डाल रहे हैं,
तो वो भी ले रहा है उसको, ठीक है। वो आप कोई पिक्चर अपलोड कर रहे हैं या कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आप यूट्यूब पे डाल रहे हैं, यूट्यूब एक सर्वर है जो किसी की और के कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क पड़ी हुई है उस पर आप अपलोड कर रहे हैं। जैसे गूगल क्लासरूम में हम कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो ये गूगल के अपने जो सर्वर हैं कंप्यूटर हैं उनमें अपलोड हो रहा है, तो उनके कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं, साइंक्रोनाइज होते हैं, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन हुई पड़ी है तो ये हमें पता नहीं चल रहा होता कि हम अपने में वो कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं या उनका हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं, तो हम बेसिकली उनका हार्ड डिस्क ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाइस वर्सा इसलिए कहा गया कि वो भी आपको रिप्लाई दे रहा है इंटरन, आप भी उसको यूज करें उसके सॉफ्टवेयर को। देन द रिमोट होस्ट बिलीव्स इट इज कम्युनिकेटिंग विद वन ऑफ इट्स ओन टर्मिनल एंड अलाउ यूजर टू लॉग ऑन, ठीक है। और आप इजीली वहां पे लॉग इन भी ले लेते हैं और वो आपके साथ कम्युनिकेट भी हो जाता है टर्मिनल। इसके बाद चौथी जो फैसिलिटी है, फंक्शन है, वो है हमारे पास डायरेक्टरी सर्विसेज की। दिस लेयर प्रोवाइड एक्सेस फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस सर्विसेज, ठीक है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन की बात की है कि ये लेयर जो है हमें प्रोवाइड करती है एक्सेस फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन। क्या है ग्लोबल इंफॉर्मेशन? यानी जितने भी आप ऑनलाइन आपके अकाउंट्स हैं वो अकाउंट्स का पासवर्ड को मेंटेन रखना, पासवर्ड को सिक्योर रखना, आपके जो है प्राइवेसी को सिक्योर रखना, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को सिक्योर रखना, ये सारा ग्लोबली हो रहा होता है। यानी आपका फेसबुक पे अकाउंट है तो फेसबुक तो ऑनलाइन पड़ा हुआ है कहीं ग्लोबली है, आपका यूट्यूब पे, आपकी जीमेल है, आपके जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे ग्लोबली पड़े हैं। इन सब इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखना, सेव रखना, सिक्योर रखना, ये सारा काम भी एप्लीकेशन लेयर का है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग की बात करें, इन An organization, a number of users have their username and password mapped to them, ठीक है। हर आपको पता है कि एक organization में बहुत सारे user होते हैं, तो हर एक के name and password को उसके onward map करना, यानी मेरा नाम है तो मैंने अपना password रखा है तो मेरा password किसी और के पास नहीं जाएगा, मेरा अपना password होगा किसी और का उसके onward अपना password का, जैसे हर बंदे के नाम के onward अपना शनाख्ती कार्ड नंबर है। डायरेक्टरी सर्विसेज प्रोवाइड मीन्स ऑफ स्टोरिंग दिस इन्फॉर्मेशन इन क्रिप्टिक फॉर्म एंड मेक अवेलेबल व्हेन रिक्वेस्टेड, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी यूज की जाती है ताकि कोई आपके पासवर्ड को हैक ना कर सके, ये भी इसका काम है आपके एप्लीकेशन लेयर का कि कोई उसको क्रिप्टेड फॉर्म में होता है, क्रिप्टेड कहते हैं क्रिप्टोग्राफी यानी साइफर टेक्स्ट में, कोई कोड वर्ड्स में आपकी इंफॉर्मेशन सेव होती है ताकि कोई भी उसको हासिल ना कर सके, और जब आप रिक्वेस्ट कहते हैं तो आपको आ जाती है। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन, जैसे आपके पास फॉरगेट पासवर्ड जब होता है तो फॉरगेट पासवर्ड जब आप प्रेस करते हैं तो कहाँ से आपका पासवर्ड आ जाता है, आपके ईमेल पे या आपके मोबाइल नंबर पे कुछ इंफॉर्मेशन देके, तो वो उन्होंने अपने डायरेक्टरी सर्विसेज में सेव किए होते हैं, आपसे कुछ मालूम लेके आपको फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, यूजर नेम करते हैं, उसका आपको डेटा ईमेल कर दिया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है, एक डायरेक्टरी सर्विसेज जो एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती है। Authentication and authorization. User credentials are checked to authenticate a user at the time of login and user access to resources can be controlled using authorization scheme. Authentication and authorization भी की जाती है। Authentication और authorization में क्या फर्क है, पहले भी मैंने बताया था session layer के उसमें lecture में कि authentication ये है कि आप authentic person है तो ठीक है, authentic person है तो आपका login and password आपका ही authentication के लिए चाहिए। आप जैसे आप login password देंगे अगर वो ठीक है तो आप authentic हैं, तो आप इंटर हो गए हैं अपने पेज में। अब उस पेज में आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, कुछ होती हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया, कुछ होती हैं ओपन एरिया। आप ओपन एरिया में जाते हैं तो वो अथोराइजेशन है, यानी जो चीज़ अथोराइज है वो सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप किसी फॉर एग्जाम्पल किसी के घर जा इंटर होते हैं तो उस एंट्रेंस पे क्या है, पहले आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये कोई अपना बंदा है, ठीक है अपना बंदा है, तो उसको इंटर कर दिया जाता है, आपको उस वहाँ पे गेस्ट रूम में बिठा दिया जाता है, तो वहाँ तक ही आपकी अथोराइजेशन है, अथेंटिक है तो अंदर आ गए। अब अथोराइजेशन क्या है कि आप का एक्सेस किस किस चीज तक है, यानी आप गेस्ट रूम से बाहर जा सकते हैं, नहीं आप घर में नहीं जा सकते गेस्ट रूम से बाहर, तो ये ऑथोराइजेशन है, आप ऑथोराइज नहीं है, तो ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन में ये फर्क है। उसके बाद आ जाता है डोमेन नेम सर्विस DNS, आपने इसका भी नाम सुना होगा। ये क्या है, ये चीज है कि जब भी आप कोई वेब पेज विजिट करते हैं तो वेब पेज के जो बैकग्राउंड है बिहाइंड द सीन काम हो रहा है वो आईपी एड्रेसेस चल रहे होते हैं 10192.168.1.1 समथिंग, इस तरह के आईपी एड्रेसेस चल रहे होते हैं। लेकिन चूंकि ये इंसान के लिए रिमेम्बर करना मुश्किल था तो एप्लीकेशन लेयर में एक फंक्शनैलिटी डाली गई डोमेन नेम सर्विसेज के बारे उससे कि उसने क्या किया कि हर आईपी एड्रेस के ऑनवर्ड उसका एक ह्यूमन रीडेबल नेम जनरेट किया।
ठीक है, नेम जनरेट हुआ, जैसे अब गूगल है तो google.com के अनवर्ड आईपी काम कर रहे होते हैं, इस तरह फेसबुक है तो उसके अनवर्ड आईपी काम कर रहे होते हैं, तो आप आईपी याद नहीं कर रख सकते और उसको सर्च नहीं कर सकते, सर्च बार में हर बार आपसे भूल जाएंगे, लेकिन आपको फेसबुक का नाम याद होता है, आपको गूगल का नाम याद होता है, आपको और चीज़ों का नाम याद होता है, व्हाट्सएप का याद होता है, तो इस तरह की चीज़ें याद करना आसान होती हैं, तो इसलिए इसमें ये फैसिलिटी भी डाली गई डोमेन नेम सर्विसेज की, कि डोमेन नेम सर्विस DNS इज वाइडली यूज्ड एंड वन ऑफ द एसेंशियल सर्विस ऑन व्हिच इंटरनेट वर्क। दिस सिस्टम मैप्स आईपी एड्रेसेस टू डोमेन नेम्स, आईपी एड्रेसेस को मैप किया जाता है डोमेन नेम्स में। एप्लीकेशन लेयर के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं इंपॉर्टेंट, जो इस तरह तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं जो यूज किए जाते हैं। द एप्लीकेशन लेयर कंटेन अ वैरायटी ऑफ प्रोटोकॉल दैट आर कॉमनली नीडेड बाय यूजर, द मेन अमंग विच आर एज फॉलोज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है HTTP, इट इज द अंडरलाइंग प्रोटोकॉल फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, इट डिफाइंस हाउ हाइपर मीडिया मैसेजेस आर ट्रांसफॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड। मेन प्रोटोकॉल है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जितने भी आपके पास हाइपर टेक्स्ट है यानी नेट पे इस्तेमाल होने वाला डेटा है, वो वीडियो फॉर्म में है, ऑडियो फॉर्म में है, टेक्स्ट फॉर्म में है, जिस फॉर्म में भी है, उसको कम्युनिकेट करना, उसको फॉर्मेट करना, सारा कुछ ट्रांसमिट करना, वो HTTP का काम है। उसके बाद आ जाते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, इट इज द क्लाइंट सर्वर बेस्ड प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइल्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर ओवर द नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर यानी वन टू आपके पास जो सर्वर है, यानी मैं किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ, यानी मैं गूगल को कोई चीज़ कहता हूँ, मैं फेसबुक पे कोई चीज़ कहता हूँ, वो सर्वर है, मैं यूट्यूब पे कोई चीज़ कहता हूँ, कोई डेटा कोई सॉन्ग मंगवाता हूँ, तो ये क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट है, यानी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, वहाँ से सर्वर आपको आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, रिस्पॉन्स देता है, तो FTP इसको कहते हैं। इसके बाद आता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP, इट लेज डाउन द रूल्स एंड सिमेंटिक्स फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, ईमेल्स के लिए स्पेसिफिक बनाया गया है प्रोटोकॉल SMTP। डोमेन नेम सिस्टम अगेन, जितने भी आपके जो आईपी एड्रेसेस उनको मैप किया जाता है उनके अनवर्ड नेम्स में। टेलनेट, ये सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, इट प्रोवाइड्स बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट ओरिएंटेड सर्विसेज फॉर रिमोट लॉगिन टू द होस्ट ओवर द नेटवर्क, ठीक है, दोनों की तरफ से बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट ओरिएंटेड सर्विसेज होती हैं, दोनों तरफ आपके लॉगिन्स चेक किए जाते हैं, ये है आपके, एक होता है सिक्योर शेल SSH और एक होता है टेलनेट, ये सिक्योरिटी के लिए यूज किए जाते हैं कि आपके लॉगिन और पासवर्ड जितने भी क्रिप्टेड फॉर्म में डेटा जा रहा है, ये सारा टेलनेट का काम है। उसके बाद है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP, ये आपकी पूरी जो नेटवर्क है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, डिवाइसेस नेटवर्क डिवाइसेस की जितनी भी है उनकी मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि आपका कनेक्शन इफिशेंटली काम करे और बिल्ड रहे और ख़राब ना हो। तो ये सारा एप्लीकेशन लेयर का काम था और ये एप्लीकेशन लेयर है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक छोटी सी असाइनमेंट है, बल्कि होमवर्क है, असाइनमेंट नहीं है, आपने इसको खुद ही देखना है, खुद ही लर्न करना है, ये पेपर में इंक्लूडेड होंगी, जितनी भी होमवर्क मैं आपको देता हूँ, असाइनमेंट देता हूँ आफ्टर हमारा जो मिड द कोर्स है उसमें, आप उसको आप खुद ही लर्न करें, सीखें, पढ़ें और उसके बाद नॉलेज गेन करें ताकि आपको पेपर्स में आसानी रहे। और क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज CMIP, कॉमन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, ये क्या है, इसके बारे में लर्न करें और इसके बारे में समझिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।